क्या समझते हैं कि इसको बंद कर देने से मामला ठीक हो जाएगा या फिर इसमें कुछ तकनीकी जो खराबियां दिखाई दे रही थी उसको बेहतर करके 332 मेगावाट कोई छोटा हिंसा नहीं है, एक बड़ी बड़ा हिंसा है और इससे मुल्की जो स्टोरेज है उसमें काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की नाहली इसमें दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आपके जो दूसरे साहब हैं मैंने इनकी पूरी बात सुनी है और थोड़ा सा इनके स्टेटस का मुझे भी पता है। बात यह कि पाकिस्तान में अभी इस वक्त जो कैपेसिटी है वो 37,000 मेगावाट है और सर्दी के दिनों में 8 और 10,000 मेगावाट से ज़्यादा हम डिस्पैच नहीं कर सकते। एक बात, फैसलाबाद पर जो थर्मल पावर प्लांट है ये है काफ़ी पुराना, यानी इसको 25 साल तकरीबन हो गए हैं और ये अपनी उम्र भी पूरी कर चुका है। एक दूसरा ये कि इसका जिसे कहते हैं कि मेरिट ऑर्डर मीन ये कितना फ्यूल खा के, चाहे ऑयल है या गैस के, एक यूनिट बनाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक्सपेंसिव है। यानी बहुत एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि अगर आपके पास गाड़ी को फ्लीट हो तो सबसे पहले उस गाड़ी को चलाते हैं जो कम से कम ऑयल या गैस खाए। ये तो पुराना ओल्ड रिटेंडेंट है। हाँ, अलबत्त ये हो सकता था कि इसकी रेट्रोफिटिंग यानी इसको दोबारा ओवरऑल करके इसको अपग्रेड किया जाता और इसकी एफिशिएंसी 40 बुनियादी तौर पे हम भी ये बात कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई खराबी थी तो उसे बेहतर किया जा सकता था। ये ऑप्शन नहीं, खराबी नहीं, नहीं। देखिए ब्रदर, खराबी देखिए ना, ये ऐसी गलत नहीं, ये गलत बात, खराबी नहीं, एक गाड़ी ही पुरानी है उसको अपग्रेड करना, अपग्रेड ये ओपन साइकिल में, ये तो ड्यूल साइकिल भी नहीं है, ये तो कंबाइंड साइकिल भी नहीं है ना, ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी समझने की बात होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट इसलिए है कि वहां से 400 मुलाजमी रखे होंगे, जितने भी जिनको जिनके साथ इश्यू ये है वहां पे लोगों की एक लश्कर है लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर रहे।